खबर है प्रतापगढ़ जिले से। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा माननीय हरकेश गौतम को प्रतापगढ़ लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ स्टेशन पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। लोकसभा प्रत्याशी और उनके समर्थक प्रतापगढ़ स्टेशन से होकर भगवा चुंगी होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोकसभा प्रत्याशी माननीय हरकेश गौतम ने कहा कि यदि हमें प्रतापगढ़ से लोकसभा में भेजते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च करेंगे और उद्योग का निर्माण करवाएंगे। और हर तरह से इसका कार्य करेंगे और सब ज़्यादा तो शिक्षा पे जोड़ दिया जाएगा और रोजगार के लिए जोड़ दिया जाएगा। आपका मेन फोकस किस पे रहेगा? हमारा मेन फोकस समाज में एक उत्साह हो और आगे बढ़े समाज, और शिक्षा शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा से लोग हर कुछ हासिल कर सकता है। सबसे शिक्षा जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है, रोजगार पर भी लोग फोकस करेंगे। मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना? मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम समाज में